रेड क्रॉस सोसाइटी भोजपुर जिला इकाई द्वारा विश्व रक्तदाता दिवस हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। पीड़ितों की सेवा में रेड क्रॉस सोसाइटी का सराहनीय योगदान भोजपुर जिलाधिकारी राजकुमार कुल 32 स्वयं सेवकों ने किया आज स्वैच्छिक रक्तदान। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भोजपुर जिला इकाई आरा के तत्वाधान में विश्व रक्तदाता दिवस पर कार्यक्रम धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चेयरमैन डॉक्टर विवेकानंद यादव ने की। आयोजन को यादगार बनाने में उद्घाटनकर्ता के रूप में प्रेसिडेंट सह जिला पदाधिकारी भोजपुर, मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त विक्रम वीरकर तथा विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य अतिथियों के साथ सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन करके किया गया। तत्पश्चात प्रेसिडेंट जिला पदाधिकारी ने रक्तदान करने वाले छात्राओं का हौसला अफजाई किया और उन्हें मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं सत्र 22-23 में सर्वाधिक रक्तदान करने वाले 12 संगठनों को मोमेंटो देकर जिला पदाधिकारी राजकुमार, पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार एवं उप विकास आयुक्त विक्रम वीरकर के हाथों सम्मानित किया गया, जिसमें HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन आरा, विहंगम योग संस्थान, अशोक लीलावती हॉस्पिटल, ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय बामपाली, 5 बिहार बटालियन भोजपुर, NCC, MP भोजपुर, पुलिस विभाग भोजपुर, KGN पॉली क्लिनिक, आरा रोटी बैंक आदि रहे। ये विश्व रक्तदाता दिवस है, आज रेड क्रॉस भोजपुर द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बहुत सारे संस्थाओं ने अपनी मदद की है, जैसे रोटी बैंक, विहंगम योग और अन्य सारे लोगों ने बहुत सारा मदद किया है। बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने भी अपना रक्तदान किया है। उन सबको मैं बधाई देता हूँ। रक्तदान महादान इसलिए है क्योंकि इससे किसी के जीवन बचाई जा सकती है। आज हमारे बच्चियों ने, NCC के बच्चियों ने बहुत बड़ी संख्या में रक्तदान किया है, उनको मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही साथ NCC के सभी पदाधिकारियों को बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने बच्चियों को इस पुण्य कार्य के लिए प्रेरित किया है। हमारे सभी जो रेड क्रॉस के पदाधिकारी हैं, हमारे अध्यक्ष, हमारे जो सचिव हैं, हमारे सभी मेम्बर्स को मैं बधाई देता हूँ, उन्होंने इस प्रकार का आयोजन किया है। रक्तदान करने से लोगों का जीवन दान मिलता है। आगे सभी व्यक्तियों को, स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करने से कोई नुकसान नहीं होता है। हर व्यक्ति चाहे तो अपने जीवन में कई बार दान कर सकता है और वो पुण्य का भागी बन सकता है। आज रक्तदान आपने किया है, कैसा लगा रक्तदान करके, और लोगों को और लड़कियों को अपना क्या सुझाव या सलाह? मैंने आज फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया, जिससे हमें ब्लड डोनेट करके बहुत ही खुशी हो रही है। जहाँ तक कि हम लोग 5 बिहार बटालियन के NCC कैडेट हैं, मेरा नाम रेणु कुमारी पड़ेगा, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मेरा यही और लड़कियों से मैसेज है कि आप भी ब्लड डोनेट कर सकती हैं, पेन बिल्कुल भी नहीं होता, इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जैसे कि मतलब हम भी ब्लड डोनेट करने से पहले घबरा रहे थे कि मतलब पेन होता है ऐसा कुछ, मैम भी बोली कि पेन नहीं होगा, बट मेरे को भी लग रहा था कि पेन होगा, बट ऐसा कुछ नहीं क्योंकि पेन भी नहीं हुआ। थोड़ा बहुत उधर ध्यान नहीं दिया, मैम बोली कि उधर देखो, मैंने उधर देखा, पेन बिल्कुल भी नहीं हुआ। अच्छा लगा, और लोगों को क्या? हाँ, हमको ब्लड डोनेट करके बहुत ही खुशी हो रही है, और लोगों से भी मेरी मैसेज है कि आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। क्या नाम है? रेणु कुमारी। ब्लड डोनेट किया और मुझे ब्लड डोनेट करके बहुत अच्छा लगा और अंदर से बहुत खुशी भी मिली। क्या जानकारी मिलता है कि रक्तदान करने से? कुछ ऐसा जानकारी कि ये होता है, ऐसा कुछ महसूस हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं हुआ। मतलब कि लोगों को अपना क्या और अन्य लड़कियों को? लोगों को और अन्य लड़कियों को यही सुझाव दूंगी कि वो भी ब्लड डोनेट करें, और ब्लड डोनेट करने से बहुत सारे फायदे भी है, और हम लोग का जो ब्लड है वो बहुत सारे बच्चे को प्रॉफिट मिल रहा है, यानी लोगों को जीवन बचाने में काम आता है। हाँ। क्या नाम हुआ? मेरा आकांक्षा कुमारी। आज NCC के कैडर से जवान है, रक्तदान कर रहे हैं, रक्तदाता दिवस मनाया जा रहा है। सर, रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में हमारी 5 बटालियन NCC जो है, हमारे MM कॉलेज के गर्ल्स, JD कॉलेज के, HD JN कॉलेज के बॉयज एंड गर्ल्स सभी मिलकर यहाँ पे आए हैं और रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेट कर रहे हैं, और उन लोग अपना स्वेच्छा से ही पूरे ब्लड को डोनेट किए हैं, और इसको, इस दिन को अच्छा बने
और आगे मतलब हर गर्ल्स और बॉय इसमें आने के लिए इच्छुक हो, इसे ही प्रेरणा जाएगी। थैंक यू। ब्लड डोनेट करने आए हैं, क्या सोच के ब्लड डोनेट करने आ पाए थे यहाँ पर? ब्लड डोनेट बहुत काफी दिनों से हमारी यह पारंपरिक रही है, तो हम मुझे ब्लड जब जब हम दान करते हैं मुझे एक अलग से आत्मबल महसूस होता है कि मैं किसी को ब्लड दिया और मेरा ब्लड से किसी का ब्लड काम आ गया, इससे इससे बड़ी खुशी क्या होता है? कई लोग कहते हैं कि कमजोरी हो जाता नहीं है, मेरे लगता है कि मुझे कहीं कोई शक्ति दे रहा है कि और मुझे ब्लड दान करना चाहिए। दिनों में कई बार ब्लड दान करूं, लेकिन कुछ इसका नियम कानून है, इसके वजह से हम लोग थोड़ा सिस्टम से काम करते हैं। ऐसे तो ऊर्जा हमारी लगता है कि नहीं, कोई सामाजिक काम करते हैं तो हमारी ऊर्जा मर जाती है, लेकिन हमारी ऊर्जा तब उत्पन्न होती है जब ऐसे समाज में कुछ हम लोग योगदान करते हैं। बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन यह एक रियल है, यह रियल है। सब चीज़ खरीद सकते हैं, ये चीज़ हम लोग नहीं कर, ये सब नहीं दान कर सकता है। कूलर, फ्रिज, एसी, टीवी, लाखों लाख रुपया, चंदा बहुत लोग दान कर सकता है, लेकिन ये सब में गट्स नहीं हो, चाहे वो बड़े बड़े लोग हो, चाहे ये हम जैसे आदमी, हम जैसे युवाओं और सामाजिक व्यक्ति जो है वही ये काम कर सकते हैं। जो एक गरीब गुरबा को जिंदगी तड़पते हुए देखते हैं वो लगता है कि नहीं वो बेचारा खून से मर जाएगा, ये हमारे शरीर में क्या खून रहकर क्या करेगा, इसलिए हमने ऐसा कदम उठाया है। और हमारे जितने भी साथी भाइयों हैं वो हम लोग संकल्पित हैं कि जो जिसका भी हो ब्लड, जिसको भी जरूरत है, हम लोग उनको मुहैया करवाने का कोशिश भी करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि ऐसा नेक काम में हम लोग को ऐसा सौभाग्य मिले कि हम लोग अपना रक्त दान करने का मौका मिले। मेरा नाम प्रेम कुमार सिंह। आज आप लोग रक्तदान सम्मानित किया गया है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरा महाविद्यालय विद्यार्थी विभाग द्वारा रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया। आज के युवा जिस तरह से नशे की ओर भाग रहे हैं, वो अपने जीवन में नशे की ओर ना भाग के अपने जीवन को सही कदम पे अगर उपयोग करें तो किसी की जिंदगी भी बचा सकते हैं। जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है किसी की जिंदगी बचाने में अपना जीवन का उपयोग करें। क्या नाम? उत्तम कुमार सिंह, जिला महाविद्यालय प्रमुख।